मध्य प्रदेश के एक विधायक का अलग अंदाज सामने आया है। बता दें कि जहां नेता अफसर को हड़काते नजर आते हैं, तो वहीं सिरोंज में एक विधायक एसडीएम के कदमों में झुकते हुए नजर आए। दरअसल यह मामला जल संकट से हुई समस्याओं से संबंधित है, जहां स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा जल संकट के चलते एक ज्ञापन लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के कदमों में झुक गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता पानी की कमी से परेशान है और अधिकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार अधिकारियों से बोल चुका हूं, मगर कोई ध्यान नहीं देता। सिरोन से रिंकू सुमन की रिपोर्ट। नहीं, शिकायतों को बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है और रही बात यह कि प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। डिपार्टमेंट्स के द्वारा तैयारी की जा रही है, परंतु हम प्रकृति के विरुद्ध एक सीमा तक ही लड़ सकते हैं। प्रकृति के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रशासनिक एक क्षमता होती है, उसके अतिरिक्त प्रकृति के विरुद्ध नहीं लड़ा जा सकता। और जल स्तर का कम होना, बारिश कम होना इसी प्रकार का एक प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं जो हमारे ऊपर आई है। इसके लिए हमारे द्वारा जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। सिरोंज लैटरी अनुविभाग में पीएचई की बहुत बुरे हाल है, ठेकेदारों की भर्रासाई चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा, अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे। इसलिए एसडीएम साहब के माध्यम से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। लोक स्वास्थ्य अंकित विभाग विफल है, इसके विरुद्ध बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी भैया मुझे हो रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये माननीय मोहन यादव जी की सरकार है। भ्रष्टाचार रहित, पारदर्शी, मुझे लगता है कुछ लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं।